भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के द्वारा राजधनवार के बड़ा चौक के पास भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर चीन निर्मित सामान का प्रतीकात्मक होली जलाई गई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, शैलेंद्र साहू, विजय अग्रवाल, डॉक्टर सहदेव बर्णवाल, उमेश बर्णवाल, विवेक विकास, राजेश अग्रवाल, रणधीर अग्रवाल, छोटू बदानी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यवीर कुमार, जयदेव कसेरा, सकलदेव मोदी, गोपाल साहु, कुशल कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बड़ा चौक में राष्ट्रवादी जनता के द्वारा चाइनीज सामानों का होलिका दहन आज किया गया है और पूरे देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार हो रहा है। हम भारतीय लोग ये चाइना को बताना चाहते हैं कि हमारे ही धन दौलत पर वो ऐश करना आप बंद कर दे और जिस प्रकार से कायराना हरकत गलवान घाटी में चाइना ने किया है, भारतीय 20 सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता आने वाले दिनों में चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे और आर्थिक रूप से चाइना का कमर तोड़ने में हम सक्षम होंगे। आम आदमी पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सागर कुमार चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने चाइना निर्मित सामग्री का बहिष्कार करने का शपथ लिया। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी पुतला दहन किया गया। हमारी मांग है कि सरकार 1 करोड़ रुपया शहीद जवानों के लिए उनके परिवार को दे एवं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे और उनकी देखरेख सरकार अपने अंदर करे। हम लोग आज सभी साथी लोग चीन के बहिष्कार करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोग लोगों से भी अपील करते हैं कि चीन का कोई भी सामान हमारे यहाँ के नागरिक ना खरीदें, क्योंकि आज जिस तरह चीन ने हमारे देश के सैनिकों पर हमला किया है और हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया है वो कड़ी निंदा लायक है और हम पूरे भारतवासी चीन के सामान को बहिष्कार करेंगे और चीन का ना ही कोई ऐप ना ही कोई सामान खरीदेंगे और पूरा तरह से चीन को बायकॉट करने में हम सभी साथी अहम भूमिका निभाएंगे एवं हर किसी को प्रेरित करेंगे कि वो चीन का कोई भी सामान ना खरीदे और उसका बायकॉट करे। झड़ते बाल अब और नहीं, आज ही इस्तेमाल करें दिव्याश हर्बल ऑयल एंड शैम्पू के सिर के बाल आसानी से झड़ना कम करके घना करें। जो छात्र उल्गुलान पद यात्रा है जिसकी शुरुआत 9 जून से कर दी गई है, जो भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र धरती उली हाथों से की गई है और 550 किलोमीटर की लगातार दूरी तय करके सिद्धू कानू वीर की धरती पहुंचेगी और वहां पे भगवान डे में इसका समापन किया जाएगा।